खबर डूंगरपुर से। अवैध शराब पकड़ को लेकर बीछीवाड़ा पुलिस को मिली एक और कामयाबी। फलों की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही 11 लाख की अंग्रेजी शराब समेत बीछीवाड़ा पुलिस ने दो तस्करों को किया गिरफ्तार। प्रदेश के डूंगरपुर जिले से होकर गुजरात की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर बीछीवाड़ा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक ट्रक जिसमें किन्नू फलों की पेटियों के नीचे छुपाकर अंग्रेजी शराब गुजरात में दुगने तिगुने दाम में बेचने के लिए ले जाई जा रही है। कानूनी कार्रवाई कर पुलिस ने 11 लाख की हरियाणा निर्मित शराब समेत दो आरोपी तस्करों को पकड़ा। बीछीवाड़ा थाना अधिकारी रिजवान खान ने बताया, पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई नाकाबंदी के दौरान रतनपुर चौकी से गुजरकर गुजरात जा रही एक ट्रक टाटा को रुकवाया। ट्रक की तलाशी ली गई जिस पर किन्नू फलों की पेटियों के नीचे 213 पेटियां हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब से भरी बोतलों को बरामद किया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही। फिलहाल बीछीवाड़ा पुलिस दोनों आरोपी तस्करों से पूछताछ कर रही है और किसी बड़े नेटवर्क से तस्करों के जुड़े होने का खुलासा होने की संभावना व्यक्त कर रही है। रात्रि में बिछवाड़ा पुलिस द्वारा जो कि रतनपुर के ऊपर एक अवैध शराब की गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें 213 पेटी माल बरामद किया गया है। ये माल किन्नू की आड़ में छुपा के चंडीगढ़ से गुजरात ले जाया जा रहा था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपए, जो विभिन्न ब्रांड का है। टीम के अंदर वन थाना अधिकारी रिजवान खान के सहित चौकी का जाप्ता रिपुदमन सिंह, जितेंद्र, संदीप, राजेश श्रीनिवास और थाना से हैदरलाल शामिल थे। पुलिस थाना बिछवाड़ा द्वारा अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। खबर भारतवर्ष के लिए डूंगरपुर राजस्थान से दिनेश पंचाल की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।